नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये है सोमवार का दिन और सुबह का टाइम है, तो यहाँ पे उठ गए थे सारा कुछ। उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए खाना, और खाने में मुझे बनाने थे बच्चों के लिए छोले और चावल। छोले मैंने रात के टाइम ही भिगो के रख दिए थे गर्म पानी में, तो सुबह तक वो अच्छी तरीके से फूल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं उनको हल्का सा नमक डाल के उबलने के लिए रख दूंगी, और साथ में मुझे बनाने थे चावल। वैसे तो बच्चे मेरे रोटी लेके जाते हैं ज़्यादातर, वो आज कहने लगे कि नहीं मम्मा हम चावल लेके जाएंगे। और वैसे तो मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ की गवर्नमेंट ने स्कूल बंद कर दिए हैं। जो बड़ी क्लासेज है सिर्फ उनके स्कूल ओपन है, 5th क्लास तक स्कूल बंद कर दिए हैं। उनकी ऑनलाइन क्लासेज चलती हैं, मतलब जो प्राइमरी क्लासेज हैं बिल्कुल ही, ये जैसे किंडरगार्टन वाली, जो ये LKG UKG नर्सरी वर्सरी, ये तो हो गए पूरी तरीके से बंद। लेकिन जो क्या बोलते हैं 3rd से लेके 5th तक, उनकी तो चल रही है ऑनलाइन क्लास। रूही की चल रही है अभी, और पीहू को जाना है अभी स्कूल। तो अभी पहले तो इन्होंने हॉलीडे डिक्लेयर कर दी, उसके बाद मतलब हर रोज कुछ ना कुछ नया आ ही रहा है कि आज ये है और आज वो है, ऐसे करके वैसे करके। मतलब अभी कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा, लेकिन फाइनली ये है कि स्कूल अभी बंद कर रहे हैं गर्मी की वजह से, क्योंकि वाकई में गर्मी मतलब रिकॉर्ड तोड़ रही है बिल्कुल ही। तो खैर देखिए, यहाँ पे मैंने रख दी है चाय बनने के लिए, और साथ में मैंने रख दिए हैं चावल भी भिगो के। चाय भी बन गई है, और बच्चे शायद उठ के नहाने चले गए थे, तो दूध उनका मैं बाद में करके ना, आज उन्होंने ना दूध पीने से मना कर दिया था। पियो कह रही थी कि मम्मा सुबह को दूध पीते हैं, तो पता नहीं क्यों जी सा खराब होने लगा है, अब गाड़ी में जाते हैं तो अब दूध नहीं देना सुबह को, हमें सिर्फ खाना ही देना। और आप लोग भी कह रहे थे कि आप उन्हें बच्चों को सुबह को प्रॉपर डाइट नहीं देते, मतलब दूध दूध दे देते हो, खाना वगैरह नहीं देते। तो पता नहीं है बच्चों को ही खुद हो गया कि मम्मा सुबह ही दूध ना दिया करो जब स्कूल जाते हैं, तो फिर वो मतलब गाड़ी में बैठ के मन सा खराब होता है, तो खाना ही देना। तो यहाँ पे मैंने कर दी है छोंक की तैयारी, चाय वगैरह पी ली है मैंने और पीयू के डैडी ने। अब हमने चाय भी कम कर दी है पीनी, एक एक आधी चाय लेते हैं, और या फिर उसके बाद हम अपना बनाना शेक वगैरह या मैंगो शेक वगैरह ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं लगा दे रही हूँ तड़का, और ये जो लोटा है इसमें मैंने रखा है चाय की पत्ती का पानी पकने के लिए, जो कि छोलों में डालना है मुझे। तो यहाँ पे तेल ले लिया है मैंने फ्राई पैन में, उसमें हींग डाल लिया है, धनिया जीरा डाल देंगे, और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो प्याज और लहसुन है उनको चॉप करके डाल दूंगी मैं उसमें बारीक बारीक, और साथ में मैं काट लूंगी टमाटर भी, क्योंकि छोले या राजमा वगैरह होता है तो इनमें टमाटर अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं, और आजकल के टमाटर देसी टमाटर आ रहे हैं, तो थोड़े से खट्टापन उनमें होता है। तो यहाँ पे जो छोले हैं वो उबल गए थे अच्छी तरह, उनमें मैंने हल्का सा ये मैशर जो है वो लगा दिया। उसके बाद जो प्याज है उसमें मैंने मतलब तड़का लग गया था, उसमें मैंने धनिया नमक हल्दी मिर्च ये डाल दिए थे, उनको पका के फिर डाल दिए हैं टमाटर मैंने, उनको पकने के लिए मैं छोड़ दूंगी। इधर चावलों का पानी भी मैंने रख दिया था, तो वो भी पक गया, उसमें मैंने डाल दिए हैं चावल। और क्या बोलते हैं, हल्की सी मैं इनमें हल्दी डाल दूंगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं चावल सफ़ेद नहीं बनाती, मैं हमेशा येलो चावल ही बनाती हूँ। तो इधर देखिए, प्याज टमाटर जो है वो पक गए थे अच्छी तरह, तो जो चाय की पत्ती का पानी मैंने पकाया था वो मैंने डाल दिया है, उसी में ही हल्का सा पकाएंगे, और उसके बाद सब्जी में ट्रांसफर कर देंगे सारे तड़के को, और इसी से ही सब्जी में बहुत अच्छा कलर आ जाता है। इधर पीओ के डैडी बच्चों के लिए फ्रूट छील रहे हैं, हाँ मतलब क्या बोलते हैं इनको, अनार, और हाँ अनार ही छील रहे हैं, क्योंकि फ्रूट हम बच्चों को देते ही देते हैं। तो यहाँ पे मैं, इधर चावल भी बन गए थे, तब तक मेरे कुकर को मैंने थोड़ी देर रख दिया था गैस पे, वही मैं रखती हूँ, बाद में एक सीटी लगवा दूंगी ताकि मसाले और सब्जी अच्छे से मिक्स हो जाए। इधर चावल पक गए हैं, तो तब तक बच्चे भी मेरे नहा धो के आ गए थे दोनों के दोनों। कृष्णा को तो हम लेट ही उठाते हैं, तो यहाँ पे देखिए रूही भी आ गई थी नहा के, उसके मैं बाल बांध दे रही हूँ, चोटी कर दूंगी इनकी। चोटी ही ज्यादातर स्कूलों में होती है कि भाई एक होता है अपना स्कूल कोड होता है, यूनिफॉर्म कोड होता है, रिबन लगाने और चोटी करना। तो पीहू के डैडी जो है उधर वो देख रहे हैं, क्या बोलते हैं, बस देख रहे हैं वो कब तक आएगी, क्योंकि बच्चों की स्कूल की टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हुई है, तो उसी के हिसाब से। तो मतलब देखिए होता है, यहाँ से ऊपर से नजर आता है बालकनी से कि बस वगैरह आ रही है या नहीं आ रही है। तो पीहू के भी मैंने बाल बना दिए हैं, और दोनों बहनें हो चुकी हैं रेडी। पीयू के डैडी ने भी इनके लिए अनार वगैरह छील दिए थे, तो अब मुझे बस बच्चों का लंच लगाना है, और साथ में इनको भी मैं खाने के लिए दे दूंगी। छोले भी बन गए थे, चावल भी बन गया था, और बच्चे वेट कर रहे थे बस उसी का ही। तो यहाँ पे देखिए, बस अभी जो है
क्या बोलते हैं, मैं छोलों में थोड़ा सा प्रेशर रह रहा था, और आज मैं इनको लंच बॉक्स दूसरे दे रही थी क्योंकि इनकी छुट्टी जल्दी हो जानी थी, तो ज़्यादा डाइट की ज़रूरत नहीं थी। स्कूल में पीयू कह रही थी कि मम्मा मैम ने मना किया कि छुट्टी जल्दी हो जाएगी तो ज़्यादा नहीं लेके आना कुछ भी, तो इसीलिए सिर्फ फ्रूट में अनार दे दिए थे और छोले की सब्जी चावल दे दिए थे साथ में। तो यहाँ पे देखिए अभी जो है मैं सब्जी भी डाल दे रही हूँ, थोड़ी देर में इनको खुला रखूंगी लंच बॉक्स को, और साथ में बच्चों के खाने के लिए भी मैंने लगा दिए थे। तो थोड़ी देर तक रखने के बाद बच्चों के जो लंच है वो हो चुके थे रेडी, हल्का हल्का सा घी भी मैंने डाल दिया, मैंने कहा चलो कोई नहीं बच्चों को अच्छा लगता है। तो उसके थोड़ी देर बाद ये देखिए लंच मैं इनके लेके आ गई हूँ पैक करके, दोनों बहनें खा रही हैं और इनके जूते रह गए थे पॉलिश करने, तो जूते पॉलिश कर दूंगी इन दोनों बहनों के। पहन तो वो देखिए खुद लेती है, रूही से क्या होता है कि जो फित्ते होते हैं वो नहीं उससे बंधते, कभी कभी पीहू तो पहन लेती है, तो इसके जूते बांधने पड़ते हैं बस, वैसे नहीं। तो यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे हो चुके हैं पूरे रेडी स्कूल जाने के लिए, अपना लंच वगैरह लगा लिया है और स्कूल के लिए हो गए हैं तो तैयार। जी बच्चे हो चुके हैं दोनों रेडी, लंच वगैरह लग गए सारा कुछ, और टाइम हो गया 7:05, अब हो गया इनके जाने का टाइम। और अब क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इधर आ गई गाड़ी बेटे, आगे गई गाड़ी, जल्दी चलो। तो जी प्यू रू ही चली गई है स्कूल, और प्यू के डैडी आके दूध लेके, और मैं कह रही थी मैंने कहा गर्मी होने लगी ना तो इसकी वजह से यहाँ की गवर्नमेंट ने स्कूल टाइमिंग जो है वो कम कर दी, जाने की टाइमिंग वही है, स्कूल से आने की चेंज होगी। पहले 3 बजे बच्चे घर आते थे, अब 1:30 बजे के लगभग बच्चे घर आ जाया करेंगे। तो ये भी देखिए एक सही डिसीजन ही लिया, क्योंकि तो गर्मी का प्रकोप इतना है ना, और आज ही मौसम अलग हो रहा बिल्कुल, मतलब हवाएं भी थोड़ी ठंडी सी लग रही, और शायद 2-4 दिन में बारिश पता नहीं कब को होएगी कब को नहीं। तो यहाँ पे आके पीयू के डैडी दूध लेके, क्यों दस क्यों आया नहीं अभी, लग गए अंकल आंटी अपने काम पर सवेरे ही। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, कैसे हो आप सब, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे चले गए हैं पीयू के, और अब चाय की जगह हमने शुरू कर दिया यहाँ पे बनाना से, एक चाय पीते हैं बस हम शुरू। ये बनाना से बन रहा है, बर्फ वगैरह डाल दिए है, दूध केला वगैरह इसमें सब कुछ हो के, फिर उसके बाद बच्चों के जाने के बाद बुढ़े बुढ़िया फिर से तो बना रहे बुढ़ा तो मैं ही तो हूँ, तो बुढ़िया तो लेना है अभी मुझे ही तो बताते हैं बुढ़ा नहीं मुझे भी क्या है कहना, तो किसी के कहता क्या हो गया, हम नहीं थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं, ज्यादा कड़ा हो जाए फिर ना कुछ तो लो। प्योर से अलग बनाओ, ठंडा सा नहीं हुआ क्या, हो रहा अच्छा लग रहा, अभी तो नहीं पी रहे थे आलस के मारे, घी सा आ जाए इसमें ना जैसे फेंट के, अगर ज्यादा फेंटेंगे तब रहेगा। तो जी देखिए यहाँ पे मैंने अपना सारा काम जो है वो निपटा लिया था, कृष्णा भी चला गया था, फिर पियू के डैडी भी चले गए थे, और मैंने भी अपना सारा काम निपटा के अपने लड्डू गोपाल को मैं नहला धुला रही थी। और ये वीडियो है सोमवार की, और इससे अगले दिन था मंगलवार, और उस दिन पीहू को ही अकेले स्कूल जाना था, बाकी सबकी छुट्टी थी। तो यहाँ पे देखिए बस मेरे लड्डू गोपाल भी हो गए हैं तैयार नहा धो के, और दोनों ने एक जैसी सी ड्रेस मेरे इन्होंने पहनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, कैसे हो आप सब, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, और टाइम बज चुके हैं 9:15, और आज पहली बार ऐसे हो रहा है कि बच्चे हमारे साथ हैं, नहीं तो ये चले जाते हैं स्कूल में। पहली बार इस बार रहे थे साथ में वो तो रात में गए थे, अच्छा वो तो रात में गए थे ना, शाम में गए थे, देख ले इसके वजह सारा दिमाग इतना लगा, कोई कुछ कहना भी चाहता हो वही के वही झंड कर दे
तो जी मेरा कहने का मतलब है कि आज बच्चे यहीं पे हैं क्योंकि इनकी रूही की तो ऑनलाइन क्लास है और पीयू को हमने भेजा नहीं, मैं आज फर्स्ट दिन है था नहीं उसका कल को पेपर है और वो फिर आने जाने में ही रह जाती तो वो तैयारी कर लेगी अपनी। हाँ तो मतलब भेजा नहीं तो हाँ। जो भी है कल से पेपर है, कल से पेपर है तो अभी इनके ना एकदम से ऊपर गवर्नमेंट के ऑर्डर आए ऊपर से तो मतलब इनके गर्मी के करके छुट्टियां पड़गी तो अभी इनके शेड्यूल सबके मतलब ऊपर नीचे हो रहे कंफर्म नहीं हो पा रहा किसी का भी तो एक दो दिन लगेंगे उसमें सेटिंग। और कृष्णा की छुट्टी थी तो आज इनकी छुट्टी करवा दी और इसकी ऑनलाइन क्लास है और लेकिन अब तक मैसेज नहीं आया कि किस टाइम है ना, वो ये भी कहता है अपनी भी ले लेना बुक और दीदी अब पता ही नहीं बेचारे को जब किस चीज की क्लास होगी कैसा लेगी। चलो चल आज देख लिए तुम्हारा तो उसमें भी आ जाता है। तो जी खैर मैं जो कहने वाला था तो बात ये थी कि ज्यादातर क्या होता है कि मैं और इंदु जाते हैं मकान देखने और वहाँ पे क्या होता है कि हम फाइनल नहीं कर पाते ना हमें कोई पसंद आया तो आज ये सोच रहे हैं कि आज जैसे बच्चे जा रहे हैं क्या पता ही नहीं कि भाग गए से कोई अच्छा मकान जगह पता लगे। हाँ ठीक है हो जाएगी ठीक हो जाएगी दर्द होता है तेरे ही होता है दर्द कालू से के। तो जी चलते हैं और देखते हैं फिर मिलेंगे आपसे ना क्या क्या आज पसंद आया आपको कैसा लगा वो भी बताना क्योंकि आज हमने ना दो तीन मकान देख लिए सर्च कर लिए सुबह से उसी काम पे लगे हुए थे मतलब मकान उसमें तो देखिए अच्छे हैं आज जाके लोकेशन का और सारी चीजों का पता लगेगा जो भी होगा। तो जी देखिए हम आ गए हैं अपने लिए घर ढूंढने के लिए। ये है पहला घर जो कि ऊपर वाली साइड था और ये मंगलवार का दिन है जिस दिन हम गए थे मकान ढूंढने के लिए। यहाँ पे मतलब अच्छी जगह थी खुली जगह थी बहुत। ये था किचन ओपन किचन ही था मैं उसको देख रही हूँ जाती हूँ मैं जब तो चेक करती हूँ। दो रूम थे यहाँ पे और हॉल था। दोनों रूम में अलमीरा थी इस तरीके से वुडन फिटिंग करवाई हुई थी इन्होंने और साथ में ही अटैच वॉशरूम था। और जो ये वाला रूम है इसमें पीछे की साइड बालकनी भी थी थोड़ी सी। ये वाला हो गया है वॉशरूम और यहाँ पे इसी के ही साथ में पीछे की साइड थोड़ी सी बालकनी थी जिसको कि मैं जाके इसलिए देख रही थी कि यहाँ पे एसी वगैरह का है क्या नहीं। तो अलमारियाँ भी मैं चेक कर रही थी अभी कुछ टाइम पहले ये किसी ने खाली किया था। और ये है दूसरा रूम जो कि किचन की दूसरी साइड है। इसमें भी ये एक बाथरूम है अच्छे खासे बड़े बाथरूम थे और इसमें भी मतलब वुडन की फिटिंग ये अलमीरा फिटिंग करवाई हुई थी अच्छी खासी थी ऊपर तक की। तो रूम ये भी अच्छा था। तो हमारे पास दो तीन ऑप्शन थे इस दिन रूम देखने के। तो हमारा ये था कि मिल गया तो ठीक है नहीं तो ढूंढ तो हम रहे ही हैं। और सच में इस बार ना मतलब हो ही रहा है हमारा तो हर साल का ही काम हो रहा खैर क्या कहे। तो ये किचन है यहाँ पे अच्छा लग रहा था। किचन भी थोड़ा सा बड़ा सा था खुला सा किचन था। और उसके बाद इधर की साइड सामने की साइड हॉल भी था यहाँ पे काफ़ी सारा बड़ा हॉल था और बाहर भी था बाहर बालकनी भी थी ओपन मतलब जो फ्रंट वाली बालकनी होती है ओपन बालकनी थी। तो यहाँ से देखिए बाहर आ गए हैं और एक रूम यहाँ पे था ये बाहर की साइड सिंगल रूम और बाथरूम इन्होंने अलग रखे हुए थे मतलब एक टू रूम सेट था और एक सिंगल रूम था और ये बाहर की साइड थी यहाँ पे बालकनी। रूम ये भी काफी अच्छा लग रहा था बड़ा था पूरा स्पेस भी था और पूरा वेंटिलेशन भी हो रखा था सारा कुछ था। उसके बाद हम गए थे फिर दूसरा मकान देखने के लिए। ये मकान था पूरा इंडिपेंडेंट और न्यूली ये मतलब कंस्ट्रक्टेड हुआ था तो यहाँ पे इसको हम देखने के लिए आए थे। ये मकान भी हमें काफ़ी अच्छा लगा। ये यहाँ पे ये हो गया हॉल और हॉल में ही साथ में अटैच वॉशरूम मिल गया था। बाहर की साइड भी काफ़ी ओपन एरिया था यहाँ पे टीवी यूनिट भी इन्होंने लगवाई हुई थी ये जो वुडन डिवाइडर है ये भी। और ये था इधर की साइड इसमें क्या बोलते हैं किचन था और फॉल सीलिंग इन्होंने करवाई हुई थी। टू रूम सेट था नीचे की साइड और एक रूम यहाँ पे भी ऊपर की साइड था और घर जो है पूरा इंडिपेंडेंट था। तो वैसे तो हमें यहाँ पे ये भी हो रहा था कि मतलब ऊपर वाला रूम है पता नहीं किसको देंगे क्योंकि फैमिली के साथ रहते हैं तो किसी और के साथ फिर रहा नहीं जाता अब पता नहीं किसको देंगे किसको नहीं। तो यहाँ पे ये एक रूम है रूम ये भी काफ़ी अच्छे बड़े थे और एक रूम में यहाँ पे सिर्फ अलमीरा थी वुडन वाली ही बाकी वो एक जो दीवार है वो जो आजकल पीवीसी वाला सिस्टम आ रहा है वो। तो ये देखिए यहाँ पे ये था एक बाथरूम जो कि दोनों रूम के साथ अटैच था। पीछे की साइड बालकनी थी एक वॉशिंग एरिया मान लीजिए और ये वॉशरूम जो है वो पीछे बालकनी में खुलता था। और जो दूसरा रूम है ये वाला इसका भी डोर बाहर बालकनी में खुलता था। एक यहाँ पे एक स्टोर रूम जैसा था आप उसको स्टोर रूम बनाना चाहते हैं मंदिर बनाना चाहते हैं वो अलग है। इस रूम में भी आपको टीवी यूनिट मिल रही थी।
तो यहाँ पे ये देखिए पीछे की साइड बालकनी खुलती है और इधर ही जो बाथरूम है उसका दूसरा गेट खुलता है। तो ये दो रूम हम लोग देख के आए थे, तो आप लोग बताइए कि इनमें से आपको कौन सा अच्छा लगा। जो हमें लेना था वो तो हमने खैर ले लिया है, लेकिन आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगा। एक रूम था यहाँ पे छत की, छत पे था, ऊपर एक रूम और बाथरूम अटैच था तो यहाँ पे, और छत जो है वो खुली छत थी, मतलब ऊपर और कुछ नहीं था, सिर्फ ये एक रूम हो गया था ये। और अच्छा खासा इन्होंने काम करवाया था, नया मकान बना था, हमसे पहले शायद कोई एक आधे महीने रह के गया होगा, रह गया होगा शायद 2-4 दिन ही, कोई वैसे ही रह के गया होगा देख के। तो जी देखिए ये है हमारे नए आशियाने, इनमें से हमें कौन सा लेना चाहिए और कौन सा आपको अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी कौन सा हमने फाइनल किया है वो मैं आपको आगे वीडियो में जरूर बताऊंगी। तो जी रोकती हूँ वीडियो को यहीं पर, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।